أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم to all of you. I am Saman. Welcome to my YouTube channel Saman Academy. आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम. हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड करना है रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलीनोमियल. तो इसका मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन. तो हम लोग क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए, लेट करेंगे कि जो मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन. और हम लोग क्या लेंगे, टेक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तब हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन. एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस सेवन. तो आंसर क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू फाइव. तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचा है, फाइव. तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन तो हमारे पास गिवन होगी और साथ ये भी गिवन होगा एक्स प्लस वन, तो हम लोग इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे. अब मैं आपको बताऊंगी कि यूज़ हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल. कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव. हमने क्या यूज़ करना है, हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है और इसका फैक्टर फाइंड करना है. बिल्कुल आसान सा फैक्टर थ्योरम क्या होगा कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, फैक्टर है. सेम वही हमारे पास पैटर्न है कि हम लोग इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव. अब हमारे पास क्या है, टेक एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू वन. इस साइड पे माइनस है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस वन. एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, प्लस वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे प्लस फोर. एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन माइनस फाइव. वन का स्क्वायर वन प्लस फोर, वन जार फोर माइनस फाइव. फोर प्लस वन फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो. इट्स मीन ये फैक्टर है. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाएगा. इट्स मीन कोई ना कोई आंसर आ जाएगा. होपफुली आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.